हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस फिडरल इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन देखे थे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्रूफ देखा था, ठीक है। लैम्डा कैसे निकालना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन के बारे में देखा था। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखा था। आज हम नॉन होमोजीनियस फिडरल इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं कल बता रही थी, ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, जैसे साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का, ठीक है, साइन या कॉस, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, पहला है वर्लीस फॉर्मूला, ठीक है। वर्लीस फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ये क्या है, जीरो टू पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स। इन लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी, जीरो टू पाई बाई टू होनी चाहिए, ठीक है, जीरो टू पाई बाई टू होनी चाहिए, या इसमें चेंज तो हो जानी चाहिए, ठीक है, साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, हमें क्या करना है, बस जो साइन एक्स जैसे साइन क्यूब एक्स देखा है जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले जो हमारा देखा है थ्री टू और लास्ट में ये वन आया, ठीक है, मतलब जैसे एन जो हमें दे रखा है वो क्या आएगा नीचे, उसके बाद घटते क्रम में लिखते जाना है, ठीक है। इसे जैसे यहाँ पर साइन एन एक्स डी एक्स दे रखा है, तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट डॉट थ्री टू डॉट वन, ये वन लास्ट में क्या आएगा, वन आएगा। कब आएगा लास्ट में वन, जब एन क्या होगा हमारे पास ऑड होगा, ठीक है, ठीक है। जो हमारे जैसे इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर थ्री टू और लास्ट में इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। जब इसका तुम करोगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स पाई बाई टू, तो माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन होगा जीरो टू पाई बाई टू, ये आएगा माइनस, ये पाई बाई टू पर साइन कॉस का जीरो माइनस वन, ये आएगा प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए क्या आया, जब एन ऑड होगा तो हमारे क्या आएगा, उससे हम घटते क्रम में लिखते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा लास्ट में वन आएगा, ठीक है, तो ये आएगा वन। वैसे ही और n n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉलर फोर थ्री टू वन इंटू पाई बाई टू होगा, ठीक है, मतलब जब n इवन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखो साइन फोर डी एक्स दे लो, ठीक है, साइन फोर डी एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा फोर थ्री टू और वन, यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर जीरो एक्स डी एक्स, ठीक है। लास्ट में ये बचेगा हमारे पास, वहाँ पर क्या बच रहा था, एक साइन एक्स बच रहा था साइन की पावर वन एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन की पावर जीरो एक्स मतलब जीरो टू पाई बाई टू वन डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, खाली सिर्फ पाई बाई टू आएगा, तो यहाँ पर इंटू क्या होगा पाई बाई टू, ठीक है, तभी क्या है हमारे पास पाई बाई टू आया, ठीक है, इसलिए आया, ठीक है। ये इसका प्रूफ तो मैं नहीं करा रही, तो ये ध्यान में रखना, जैसे हम कल अल्फा वन वन निकाले थे, ठीक है, अल्फा वन वन, जैसे अल्फा वन वन निकाले थे हमारा था जीरो टू टू पाई, जैसे कुछ भी निकाला हमने अल्फा वन का, आगे हमारा जैसे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है, साइंस का दिया, तो तुम ऐसे कर सकते हो, इसको खोल सकते हो, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ऐसे खोल के भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी खोल के कर सकते हो। अगर जैसे ये तो साइन स्क्वायर के लिए खोल गया, अगर साइन की पावर फोर आ गया, साइन की पावर फोर एक्स के में आ गया, तब तुम कैसे करोगे इसे, ये तो ज्यादा लंबे से जाएगा ना, पहले साइन स्क्वायर का एक्स का करना पड़ेगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स मतलब वन प्लस वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, फिर वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, ठीक है, फिर इसको प्रोडक्ट करोगे फिर और लंबा जाएगा, ठीक है। तो हम वर्लीस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं, देखो पहले तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है, पहले तो ये देखना है कि यहाँ क्या है, ये जीरो तो नहीं हो रहा कहीं पहले से, पहले तो ये इवन, जैसे हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स होता था, ठीक है, ये होता था टू एफ एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स क्या इवन, इस पे इवन या तो एफ एक्स क्या चाहिए, मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए, ये इवन के लिए होता था जब फंक्शन इवन हो, और जीरो जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए तब क्या होता था, जीरो होता था। और एक सेम इसके लिए ये भी था, एफ टू ए माइनस एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए, और अगर ये है एक कंडीशन, इसको यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं, जीरो टू 2a fx dx इक्वल टू, यहाँ पर होता था टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स,
ठीक है, एफ एक्स डी एक्स मतलब टू ए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स जब एफ एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मतलब इवन ये इवन सॉरी इवन मतलब एफ जब एक्स पर माइनस एफ एक्स दो तो हमारे पास क्या आंसर एफ एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है तो ये इवन फंक्शन होता है, अगर ये माइनस आ गया तो ये ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन हो और हम ऐसे भी ले सकते हैं टू पाई टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ये भी होता है। और एक होता है अगर जीरो जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए और एफ टू ए माइनस एक्स क्या हो जाए हमारा माइनस एफ एक्स, ठीक है तब भी क्या होगा ये जीरो होगा। ठीक है, जैसे जैसे जीरो टू टू पाई साइन एक्स ले लिया हमने साइन एक्स डी एक्स, ठीक है तो हमारे पास क्या होगा साइन टू पाई माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन को ये वाली कंडीशन दिखा रहे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा इसका जीरो होगा। ठीक है, वैसे अगर जीरो टू टू पाई हमने कॉस एक्स करा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है पहले तो ये टूट सकता है, ठीक है जीरो टू पाई कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा, लेकिन जब हम कॉस पाई माइनस एक्स रखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा ये कॉस पाई माइनस एक्स माइनस ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव और नो चेंज होता है तो माइनस कॉस एक्स, तो हमारे पास जीरो टू पाई मतलब जीरो टू टू पाई में कॉस डी एक्स का होगा ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार तोड़ रहे हैं तो हमारे पास जीरो टू पाई कॉस एक्स डी एक्स आ रहा है। ठीक है, फिर लेकिन जीरो टू टू पाई कॉस डी एक्स क्या होगा हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, ये क्या होगा जीरो होगा, तो ये वाला भी हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही थी जीरो टू टू पाई साइन टू एक्स आ रहा था उसमें ये भी क्या होगा हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें ये वाला रख लें ये वाला फंक्शन एफ माइनस एक्स रखें तो जाएगा कॉस साइन माइनस टू एक्स क्या जाएगा माइनस साइन टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास और फंक्शन है तो हमारे पास ये तब क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, और इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है सिमेट्रिक ग्राफ होता है, मतलब इसके वैल्यू क्या मिलते हैं हमको सेम मिलती है कॉस मतलब जीरो टू टू पाई में जीरो टू टू पाई देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये वाली है और ये वाली ये सेम है। ठीक है, इनकी वैल्यूज अगर हम ये सिमेट्रिक ग्राफ बनते हैं ठीक है ऊपर सेम नीचे भी सेम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं जीरो टू पाई में ये जीरो हो जाता है। ठीक है, साइन और लेकिन ये अगर वैसे लेकिन कॉस फिर कॉस क्या आएगा देखो जीरो टू टू पाई करा कॉस के लिए। ठीक है, कॉस के लिए जीरो टू टू पाई करा हमारा तो यहाँ से क्या ये सिमेट्रिक यहाँ से अगर हम आधा करें इतना इसके सिमेट्रिक इतना इसके सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा ये तब ये कॉस टू पाई जीरो होगा, लेकिन साइन अगर जीरो टू पाई होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं आता, जीरो टू पाई में सिमेट्रिक नहीं आता, एक सीधी ग्राफ आता है। ठीक है, इसका कोई इमेज नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, लेकिन कॉस में क्या मिलता है ये इमेज मिलती है यहाँ से यहाँ तक इसकी इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास कॉस जीरो टू टू पाई क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, जीरो टू पाई में कॉस क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, लेकिन साइन जीरो नहीं होता है। और यहाँ से देख लो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इस कंडीशन से ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास देखो तब ये क्या आया देखो तो ये साइन जीरो टू टू पाई जीरो टू पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स क्या होगा इसके बराबर होगा जीरो टू पाई बाई टू कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर जीरो टू टू पाई साइन की पावर फोर डी एक्स आ जाए। ठीक है, एक तो ये इवन है, अगर इसमें ये भी लगाओ ये चाहे ये भी लगाओ ठीक है माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर माइनस आएगा माइनस की पावर फोर कर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दोनों बार तोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों बार हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको दोनों बार तोड़ सकते हैं मतलब फोर जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर फोर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक बार पहले टू पाई को तोड़ा ठीक है तब भी क्या आएगा साइन की पावर फोर डी एक्स सेम रहेगा, फिर पाई को तोड़ दिया पाई बाई टू में ठीक है तब भी क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम तो फोर इंटू फोर थ्री टू वन इंटू पाई बाई टू। ठीक है, ये क्या आ गया इवन के लिए आ गया। ठीक है, तो इसे कैंसिल हो गया थ्री बाई फोर पाई। ठीक है, ऐसे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ये सेम ये वाला और कॉस के लिए भी क्या होता है ये सेम होता है। ठीक है,
एंड और पे ये होगा, एनीवन पे ये होगा, कॉस और साइन के लिए ये वलिस फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब देखो गामा फंक्शन, गामा फंक्शन से भी हम साइन, अगर ये आ गया तुम्हारे पास 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है, ऐसे आ गया। तो इसको ये वलिस फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, या तो इसको वैसे कर लो, वन ये आएगा 1 - cos 2x और ये आएगा 1 + cos 2x/2, यहाँ पे बाई टू इंटू कॉस एक्स ऐसी रहा, इनको प्रोडक्ट करो फिर और निकालो, ठीक है। तो एक तो ऐसे तरीके से करते हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा यहाँ पर, या तो cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो लेकिन ये अगर हम गामा फंक्शन से इसको याद रहा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे गामा, गामा फंक्शन कहता है, ये क्या होता है, गामा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो साइन होता है ये गामा साइन होता है, ठीक है, ये उल्टा एल जैसा, ठीक है, एल को हम ऐसे लिखते ना, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा एल, ठीक है, उल्टा एल, एल के अंदर हमने क्या रख दिया, एन रख दिया, ठीक है। तो गामा एन इक्वल टू, तो इसका क्या होता है, 0 to ∞, इसकी लिमिट क्या होती है, 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स होता है और एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एन माइनस वन है तो यहाँ पर आएगा गामा एन, अगर यहाँ पर एन प्लस वन होता, यहाँ पर एन होता तो यहाँ आता एन प्लस वन, एक्स की पावर एन होता तो यहाँ पर आता एन प्लस वन, ठीक है, डी एक्स, जहाँ एन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए ग्रेटर देन जीरो और इसके लिए ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है, मतलब x प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो x इज ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास ये गामा फंक्शन की क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो जो गामा n प्लस वन होता है, ठीक है, गामा n प्लस वन हो गया, ये n प्लस वन जैसे 3 + 1, गामा 3 + 1 तो हम क्या लिखेंगे, 3 γ3, ठीक है। तो इसको हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, गामा n प्लस वन को n फैक्टोरियल, अगर गामा n होगा तो इसको n माइनस वन मतलब एक कम फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे 3 + 1 लिखा हमने, 3 γ3 आ गया, वैसे 3 इंटू इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 क्या आएगा, 3 और यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या इसी फॉर्म में बन गया, n प्लस वन इंटू 2 γ2 फिर 3 = 3 डॉट ये 1 + 1 लिख सकते हैं हम 2 को, तो ये क्या आएगा 3 × ये आएगा 1 γ1 और गामा 1 क्या होगा, 1 ही होती है, ठीक है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, 3 dot 1 मतलब 3 फैक्टोरियल आया ना, ये क्या है, 3 फैक्टोरियल आया, वही लिखा हमने, n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे एक गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π, ठीक है, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, ठीक है। अब देखो 0 to 2π ये जो अभी हमने लिखा था साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, 0 to π/2 साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हम गामा फंक्शन से कैसे निकाल सकते हैं, आराम से गामा पहले इसका m, m के साथ 1 प्लस करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, m प्लस 1/2 n, n प्लस 1/2 अपॉन 2 से इंटू होगा इंटू 2 γ m, इसको भी प्लस करना है, इसको प्लस करना है प्लस 2 मतलब m प्लस n 1 + 2/2, ठीक है, मतलब इसको ऐसे ले सकते, ऐसे लिख लेना उन्होंने by 2 इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा m प्लस n प्लस 2/2, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर का m प्लस 1/2 n प्लस n बाई टू, यहाँ पर m प्लस n प्लस 2/2 और यहाँ पर 2 से इंटू होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा 2 से इंटू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे है हमारा 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ले लिया, ठीक है, या तो तुम इन दोनों का साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला खोल दो, फिर इंटू करने के बाद उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम गामा फंक्शन से देखो, गामा फंक्शन से गामा 3 + 1/2 यहाँ पर 3 + 1/2 अपॉन 2 × γ 3 + 3 + 2/2 तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 1 2 γ2 यहाँ पर 3 + 1 4 4/2 2 और अपॉन 2 3 + 3 6 6 + 2 8 8/2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये γ2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो
ठीक है, वन प्लस वन मतलब वन, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, वन अपॉन टू इंटू, और गामा फोर को थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन लिख रहा है तो थ्री प्लस वन फिर थ्री फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आएगा वन बाई सिक्स, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, वन बाई ट्वेल्व इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप खोल के भी दे सकते हैं, ठीक है, ये सेटिस्फाई करा नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, देखो नया टॉपिक है नॉन होमोजीनियस विड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन है यहाँ पर, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस विड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद डीजनरेट कर्नल, ठीक है, कर्नल के अनुसार यहाँ पर डीजनरेट कर्नल, ठीक है। एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ए टू बी ना सॉरी जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये सिर्फ उसी के लिए, अगर ये क्या आएगा टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स कब होगा, जहाँ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और जीरो कब होगा जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, और जो मैंने इवन इवन ऑड वाला बताया था वो है तुम्हारा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जो इवन ऑड वाला था वो था माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए इसके था टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ क्या हमारा एफ इज इवन मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और जीरो हो जाएगा जब एफ क्या होगा एफ इज ऑड, ठीक है, मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, ठीक है, ठीक है, जैसे माइनस वन टू वन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हमने क्या रखा माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स आया, ये वाला आया और जो है और फंक्शन है, तो हमारे पास क्या होगा इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये वहां पर जब हम कर्नल निकाल लेते हैं उस बार वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन जीरो टू एक्स जीरो टी टू एक्स टी टू एक्स एक्स माइनस जेड जेड माइनस टी, ठीक है, अगर हमने देखो यहाँ पर तो सिंपल यहाँ पर जेड स्क्वायर रहेगा, तो अगर यहाँ पर क्या होगा जब सॉरी फिड्रॉल के लिए अगर हमारे पास इंटीग्रेट वोल्ट्रा में तो इतना नहीं होगा, लेकिन फिड्रॉल में जब इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन टू वन, ठीक है, एक्स माइनस जेड जेड माइनस टी, इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास एक इवन ऑड मिलेगा, देखो एक्स जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड टी, ठीक है, ये देखो ये माइनस वन टू वन है माइनस वन, तो ये क्या है जेड की वैल्यू क्या है, ये जेड क्या है और ये ऑड है, तो ये क्या हो जाएंगे ये तो जीरो हो जाएंगे, तो हम इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन किसका करना सिर्फ माइनस वन टू वन माइनस एक्स टी माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, ये माइनस वन ये तो और फंक्शन है ये पहले ही हट गए, ठीक है, तो हम इसको अलग से इंटीग्रेशन अगर उनका माइनस वन जेड एक्स प्लस टी लिखे हैं डी जेड, ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट है और जेड क्या है ये देखो ऑड है, तो ये क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों हट गए, फिर इसका करना पड़ेगा वो भी क्लिक कर जाएगा, ये और फंक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वन है, तो वन एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स रहेगा वन के लिए भी, ठीक है, तो हमारे पास ये इवन फंक्शन हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा टू जीरो टू वन माइनस एक्स टी माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, वहाँ पर तुम प्रोडक्ट जो मैंने रूल बताया था वो मत लगाना, चेन रूल, ठीक है, इंटीग्रेशन चेन रूल जो बताया था एक्स साइन एक्स साइन की पावर एन एक्स वाले के लिए, ठीक है, वो मत लगा देना क्योंकि यहाँ पर क्या है ये लिमिट क्या हमारी माइनस ए टू ए जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास ऑड फंक्शन में मिलेगा यहाँ पे, अगर ऑड मिल रहा है तो हमारे पास क्या जाएगा गलत हो जाएगा, तुम वो लगाओगे तो वो ये गलत हो जाएगा, ठीक है हमारा, ठीक है। अब देखो जो हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस विड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन का, लेट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी, ये क्या है बी आर नॉन होमोजीनियस विड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन लिख दिया हमने, ठीक है, इसको इक्वेशन वन ले लिया, ये इक्वेशन यहाँ टू ले लो, यहाँ पर वाई एक्स आएगा ये टू आगे, ठीक है, बी आर नॉन होमोजीनियस विड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड वेयर के एक्स टी इज डीजनरेट, ठीक है, मतलब सेपरेबल है, ठीक है, मतलब दैट इज के एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एल एफ आई एक्स जी आई टी, ठीक है, एफ आई एक्स जी आई टी, ठीक है, इट इज इंप्लाइड दैट वाई एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर जो हमें के एक्स टी लिया
वो हमने यहाँ इसमें रख दी वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर में। तो हमें पर वाई एक्स का है एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी सिग्मा आई का टू वन टू एन एफ आई एक्स जी आई टी वाई टी डी टी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था नॉन होमोजीनियस विदाउट इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, वैसे सेम है, ठीक है। तो हमने क्या करना, कर्नल की वैल्यू इसमें रख देनी है जिसे हमने निकाला था, वही करना है, ठीक है। एफ एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा सिग्मा आई का टू वन टू एन एफ आई एक्स बाहर आ जाएगा, जो टी वाला फंक्शन है वो एक साथ लिख देना है, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लेना है, सी आई मान लेना है, ठीक है, सी आई ए टू बी जी आई टी वाई टी डी टी, ठीक है, इसे एक फंक्शन मान लेना है। तो मेरे पास वाई एक्स क्या आएगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो वाई एक्स क्या आएगा, एफ एक्स प्लस लैम्डा सिग्मा आई का टू वन टू एन सी आई एक्स एफ आई एक्स सी आई, ठीक है, एफ आई एक्स सी आई सी आई। अब क्या करना है, ये जो हमारे कॉन्स्टेंट आया सी आई, जो हमने सी आई लिया था, इसकी वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे थे, जी वन जी टू जी एन तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन कर रहे थे ए टू बी में, तो वही करना है यहाँ पर भी, ठीक है, सी आई टू फाइंड सी आई, ठीक है, टू फाइंड सी आई। तो मेरे पास क्या मिलेगा, जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, मैं लिख नहीं रही, पिछले लेक्चर में जो हमने होमोजीनियस का था सब लिखा था, ठीक है, सेम वही लिखना है, ठीक है। तो ए टू बी जी जे एक्स, हमने इसको जे मान लिया, आई तो हमारा चल रहा था, लेकिन इसको क्या है, इसको जे से डिनोट कर लिया, ठीक है, जी जे एक्स वाई एक्स डी एक्स ए टू बी जी जे एक्स, मतलब जी वन जी टू जी थ्री। तो हमने क्या लिख दिया, ए को, मतलब जे कहाँ है यहाँ, वन टू थ्री डॉटर एन, ठीक है, वन टू एन एन तक है, ठीक है, जी जे एक्स वाई एक्स डी एक्स प्लस ना इक्वल टू ए टू बी जी जे एक्स, यहाँ होगा सब में होगा, तो जी जे एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस लैम्डा सिग्मा आई टू वन टू एन सी आई A to B G J X F I X D X, मतलब सबको एक ही फंक्शन लिखना है, या तो X का लिखो या तो T का, सिर्फ एक ही, यहाँ जैसे दो है ना, लेकिन हमें क्या लेना, बाद में जो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एक ही फंक्शन होगा, या तो X में लेना, अगर X में लिखा तो X में ले लो, T में लिखा तो T में ले लो, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइडेड सी जे इक्वल टू बी जे, तो हमने इसको ले लिया हमने सी जे, इसको ले लिया हमने बीटा जी जे, और इसको ले लिया हमने ये वाला अल्फा जे आई, ठीक है, ये वाला तो हमने पिछले लेक्चर में भी अल्फा जे आई दिया था, और इस वाले को क्या लेना है, जो हमारे नॉन होमोजीनियस, जिससे हमारा नॉन होमोजीनियस बन रहा है, उसको हमने बीटा जे ले लिया, बीटा वन, मतलब ये जो जो इसके साथ जो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पास लाना चाहिए जी जे वाला फंक्शन, ठीक है, एफ आई नहीं, सिर्फ जी जे वाला चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो हम एफ एक्स के साथ जी जे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करके फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास सी जे क्या है, ए टू बी जी जे एक्स वाई एक्स डी एक्स, बीटा जे हमारे पास ए टू बी जी जे एक्स एफ एक्स डी एक्स, और अल्फा जे आई है ए टू बी जी जे एक्स अल्फा एफ आई एक्स डी एक्स, जहाँ आई कॉमा जे क्या है, वन से लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है, वन टू एन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो बीटा जे, इन दोनों का मेन ध्यान रखना, बीटा जे और अल्फा जे आई हम निकालेंगे अभी, ठीक है। जो मैट्रिक्स बनेगी, एक साइड को बीटा जे आएगा, ऐसे आएगा बीटा वन बीटा टू, और यहाँ पर जो हमने पिछले होमोजीनियस के लिए लिखा था सेम, नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, जो ए एक्स इक्वल टू बी आता है ना, ठीक है, तो वही नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो आप देखो इसको हम कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, देखो आगे को देखो, हमने लिखा था सी जे इक्वल टू बीटा जे प्लस लैम्डा आई इक्वल टू वन टू एन सी आई अल्फा जे आई, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने जे इक्वल टू वन जैसे होमोजीनियस के लिए करा था, सेम इसके लिए भी करना है, जे इक्वल टू वन रखा तो सी वन इक्वल टू बीटा वन प्लस लैम्डा आई इक्वल टू वन टू एन सी वन सी आई अल्फा वन आई, ठीक है। फिर इसको खोल देंगे, इसको सम को खोलेंगे, तो हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा, वन माइनस लैम्डा अल्फा वन वन लैम्डा सी वन माइनस लैम्डा अल्फा वन टू सी टू डॉट डॉट माइनस लैम्डा अल्फा वन एन सी वन इक्वल टू बीटा वन, ठीक है, ये क्या बना बीटा वन, सेम फिर माइनस लैम्डा अल्फा टू वन लैम्डा सी वन प्लस वन माइनस लैम्डा अल्फा टू टू सी टू डॉट डॉट माइनस लैम्डा अल्फा टू एन सी एन बीटा टू, ठीक है, माइनस लैम्डा फिर डॉट डॉट करके एंड सो ऑन, ऐसे करके हम एन तक जाएंगे, तो माइनस लैम्डा अल्फा एन वन लैम्डा सी वन माइनस लैम्डा, दो बार लिख दिया मैंने सी वन, ठीक है, माइनस लैम्डा अल्फा एन वन सी वन माइनस लैम्डा अल्फा एन टू सी टू डॉट डॉट माइनस वन माइनस यहाँ पर प्लस होगा वन माइनस लैम्डा अल्फा एन एन सी एम इक्वल टू बीटा एन, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, अब मैट्रिक्स फॉर्म जो हमारे कॉन्स्टेंट है सी वन के, ये सी वन वाले, ठीक है, तो ये एक साथ आ जाएंगे,
तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 डॉट 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 माइनस लैम्डा अल्फा 1 n। फिर आएगा माइनस लैम्डा ये वाला माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 डॉट डॉट 1 माइनस सॉरी माइनस लैम्डा अल्फा 2 n एंड सो ऑन n तक जाएंगे। फिर माइनस लैम्डा अल्फा n 1 माइनस लैम्डा अल्फा n 2 डॉट डॉट 1 माइनस लैम्डा अल्फा n n, ठीक है। और यहां इनटू C1, C2, डॉलर CN, ये रो में हो गया, रो कॉलम ये क्या आएगा, सिर्फ कॉलम में आएगा। और यहाँ इक्वल टू ये क्या आएगा, सारा बीटा वन बीटा टू बीटा एन, क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस हमारी ये बनेगा, ठीक है, नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स बनेंगे बन। तो ये इस फॉर्म में लिख दो, इसको डी लैम्डा लिख दो, क्योंकि लैम्डा डी लैम्डा एक्स, ये एक्स हो गया इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारी क्या इस फॉर्म हो गई, ए एक्स इक्वल टू डी फॉर्म में जो हम नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं, कब उनको सॉल्यूशन मिलेगा, कब उनको इनफाइनाइट यूनिक या नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, ठीक है। देखो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है फॉर नॉन होमोजीनियस, मतलब एफ एफ जब हमारे पास जीरो नहीं है, ठीक है, इसी में इन्होंने होमोजीनियस वाला भी कंडीशन इन्होंने दिखा दी वैसे, ठीक है, जैसे फॉर नॉन होमोजीनियस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास देखो एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास क्या मिल सकता है, ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन आ गई केस फर्स्ट में। एफ एक्स जीरो है मतलब जो बीटा वन बीटा टू एफ एक्स आ रहा था ना, जो एफ एक्स था ए टू बी जी जे एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसीलिए क्या था बीटा जे था, ये बीटा जे था। तो बीटा वन अगर इफ एट लीस्ट वन बीटा जे इज नॉन जीरो, हमें क्या एक ऐसा बीटा जे मिल गया जो नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब बीटा जे नॉन जीरो है, देन इफ फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यूनिक आएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, जो हमारा डिटरमिनेंट है ये जीरो नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, सी वन क्या आएगा, इसके बराबर कुछ आएगा, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस में क्या मिला था, यूनिक जीरो सॉल्यूशन मिला था, मतलब वाई एक्स इक्वल टू जीरो आएगा हमारे पास, ठीक है, यूनिक जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, नॉन जीरो, मतलब सी वन की वैल्यू कुछ आ जाएगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, डी लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, देन यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब जो डिटरमिनेंट है ये नॉन जीरो है तो हमारे पास यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन बनेगा। और दूसरा है अगर डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो है देन आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ डी लैम्डा क्या है, जीरो आ रहा है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, हमें सॉल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, मतलब अगर ये डी लैम्डा जीरो है तो हमारे पास सी की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है, सी क्या होगा इनफाइनाइट, सी की वैल्यू हमारे पास निकल नहीं पाएगी, ठीक है, वाई एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा सी कॉस एक्स ले लो, ठीक है, ऐसे मान लिया, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, या तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है तो जैसे हम इसका मैट्रिक्स निकालेंगे, जैसे ए आइगन बी निकालते थे ना, अगर ये रैंक ऑफ इसका रैंक इसके बराबर हो, रैंक ऑफ आइगन मैट्रिक्स ए, ठीक है, आइगन मैट्रिक्स मतलब ए जो इन दोनों का हम रैंक निकालेंगे, ए ऐसे करके ए ये दो निशान सज रहे जैसे बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अगर ये रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। और रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ आइगन मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर वही आएगा। तो हमारे पास इसके रैंक निकालेंगे डी लैम्डा बी की, और इसके रैंक अगर दोनों की रैंक अगर हमारे पास बराबर हुई, ठीक है, रैंक अगर हमारे पास बराबर हुई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अगर लेस देन, अगर हमें मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन की देखी है और अगर ये लेस देन एन होगा तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलेंगे। अगर ये इक्वल टू एन हो गया और ये इक्वल टू एन हो गया तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, और अगर लेस देन एन हो गया तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है, ये ऐसे देता है इनफाइनाइट और यूनिक सॉल्यूशन, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही देखना है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास नो सॉल्यूशन इसके कारण मिलेगा, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की रैंक, अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट इसकी रैंक ए की आर्ग्यूमेंट इसकी रैंक ए के बराबर नहीं है तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इसलिए नो सॉल्यूशन यहाँ पे इसलिए लिखा है, डिटरमिनेंट ऑफ डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो,
ठीक है, मतलब डी लैम्डा जो रैंक मतलब रैंक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ डी लैम्डा क्या है, कोई भी जीरो है, तो हमारे पास नलिटी ऑफ डी कुछ मिलेगी, ठीक है, नलिटी मिलेगी हमारे पास, ठीक है, ये सब लीनियर अलजेब्रा का है, ठीक है, नलिटी मिलेगी हमें, तो हमारे पास जो इसकी रैंक होगी, जो रैंक ऑफ डी होगी वो क्या होगी, लेस देन एन ही होगी, लेस देन एन होगी ना, लेस देन एन होगी, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमारे पास जो हमारे पास डी ए जो डी बी आएगा उसकी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू रैंक ऑफ डी इज लेस देन एन होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन एन, ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए रैंक, ठीक है, तो हम पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलेंगे, ठीक है, डी लैम्डा यहाँ जीरो है, ठीक हो गया, ठीक है, अब देखो बी इफ इज बीटा जे इज जीरो, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, कि आइदर नो सॉल्यूशन कब मिलेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर ईच इफ ईच बीटा जे इज जीरो, हमारे पास बीटा जे हम निकाल रहे हैं वो क्या हो जाए हमारे पास जीरो आ जाए, ठीक है, हम बीटा जे जो निकाल रहे हैं वो क्या आ जाए हमारे पास जीरो आ जाए, तो क्या होगा बीटा जे इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या मिलेगा, मतलब ए टू बी जो हमने बीटा जे निकला था, बीटा जे हमें क्या था, ए टू बी जी जे एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑल अल्फा वन नॉट सॉरी जी वन जी टू जी एन आर ऑर्थोगोनल टू एफ एक्स, अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करने के बाद जीरो जाए तो क्या होता है, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल होते हैं, तो टू एफ एक्स मतलब जी वन जी टू जितने भी जी एन है ऑर्थोगोनल टू एफ एक्स के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल, इसका मतलब जब बीटा जे इज जीरो देन हमारे पास जो आया था जी जे एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब जो जी वन जी वन से जी एन तक क्या है ऑर्थोगोनल टू एफ एक्स, मतलब कैसे देखो, जब हमने एफ एक्स हमने कॉस फाइव एक्स ले लिया, जी वन हमने कॉस एक्स ले लिया और जी टू हमने साइन एक्स ले लिया और लिमिट ले ली हमने जीरो टू पाई हमने लिमिट ले ली, ठीक है, तो हमारे पास जीरो टू पाई जी वन एक्स क्या होगा जीरो टू पाई कॉस एक्स कॉस फाइव एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास जीरो रहेगा, क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा, ठीक है, कॉस एक्स का यहाँ से देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा सिमेट्रिक आएगी, ठीक है, ये देखो ये इसके सिमेट्रिक है, यहाँ से ये इसके सिमेट्रिक हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा सिमेट्रिक आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो टू पाई कॉस एक्स कॉस फाइव एक्स डी एक्स हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही जी टू एक्स जीरो टू पाई साइन एक्स कॉस फाइव एक्स हो जाएगा, कॉस फाइव एक्स देखो यहाँ पे पाई माइनस फाइव एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स मतलब माइनस एफ एक्स जैसा हो गया, टू एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया जीरो आ गया, ठीक है, और ये भी क्या आ गया जीरो आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा देखो, तो हमारे पास क्या आएगा सारे बीटा जे क्या आ गए जीरो आ गए, तो मतलब तो हमारे पास ये सारी बीटा जे अगर हमारे जीरो आ गए तो ये कौन सी कंडीशन बनी, होमोजीनियस वाली जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, होमोजीनियस फिटॉल वाली बन गई, ये सारे जीरो हो गए वही बना, तो डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यूनिक जीरो सॉल्यूशन, तो हमारे पास यूनिक अगर डी लैम्डा जीरो नहीं है तो हमारे पास सारे सी आई क्या होते हैं जीरो हो जाते हैं, सारे सी आई जीरो होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यूनिक जीरो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, मतलब जो एफ एक्स आएगा एफ एक्स वाई एक्स क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है, सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डी लैम्डा जीरो है देन क्या आएगा हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे हमारा होमोजीनियस के लिए था वही है, ठीक है, और जैसे सेकंड केस इन्होंने अगर दोनों केस एक साथ डिस्कस दिए होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ठीक है, मतलब अगर ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया मतलब होमोजीनियस बन गया, तो सेम कंडीशन डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यूनिक जीरो सॉल्यूशन देन यूनिक जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, और अगर डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, इसको एक चार्ट ग्राफ में देख लेते हैं, देखो चार्ट ग्राफ में देख लो, ठीक है, इससे हमें y x इक्वल टू f x प्लस लैम्डा a टू b k x k x कॉमा t y टू d t जहाँ k x t है डिजनरेट है, ठीक है, इसलिए हमें क्या नॉन होमोजीनियस में d लैम्डा x इक्वल टू b फॉर्म में आ रहा है हमारा, ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन देख लो, a क्या होगा जब d लैम्डा हमारे पास जो डिटरमिनेंट है क्या रहा है नॉट इक्वल टू जीरो और डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, फिर इसके लिए क्या आएगा एक आएगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब अगर होमोजीनियस हो गया, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यूनिक जीरो सॉल्यूशन मिलता है होमोजीनियस के लिए, डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो और होमोजीनियस है तो यूनिक जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, और एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमें इसमें दो दो प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एट लीस्ट वन बी आई इज नॉन जीरो, ठीक है, अगर हमारे पास एक भी बीटा हमें ऐसा मिल गया कि वो नॉन जीरो हो रहा है बीटा नॉन जीरो आ रहा है एक भी, तो हमारे पास क्या मिलेगा यूनिक मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ एफ एक्स जीरो होने पर जीरो सॉल्यूशन
यहाँ पे यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर ईच बीटा आई जीरो हो गया, अगर हमारे सारे बीटा आई क्या हो गया हमारे पास जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या मिलता है यूनिक जीरो सॉल्यूशन। यूनिक यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन जीरो जीरो, यहाँ पे बीटा आई हमें मिलेगा तो नॉन जीरो आई मिलेगा, बाकियों के लिए क्या मिलेगा जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जब d lambda is equal to 0 है, जब f(x) होमोजीनियस है, अगर ये होमोजीनियस है हमें क्या मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हमारा नॉन होमोजीनियस है f(x) not equal to 0, तो भाई इसमें दो कंडीशन होती है, एक जब रैंक d, जब रैंक ऑफ d भी आर्गुमेंट ऑफ d equal to रैंक ऑफ d हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और रैंक ऑफ d आर्गुमेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ d, तो हमारे पास क्या मिलता है नो सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें नोट देख लो, फर्स्ट है फॉर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई, मतलब ये आइगन वैल्यूज होगी, ये क्या हमारी आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज है लेट, और हमें पास y1 y2 yn क्या दे दिया आइगन फंक्शन दे दिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई, इस लैम्डा आई के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब लैम्डा 1 में y1, लैम्डा 2 पर y2, लैम्डा 3 पर y3, लैम्डा n पर yn, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन दे रखे है। एंड इफ हमें कंडीशन दे रखी है a to b fx, जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस fx और जो हमारा आइगन फंक्शन है, अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करा, हमारे पास अगर वो जीरो आ गया, ठीक है, आइगन फंक्शन का मल्टीप्लाई जो fx, जो हमारे फंक्शन है fx नॉन होमोजीनियस जिससे बन रहा है उसका मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करा, अगर वो जीरो आ गया फॉर ऑल सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए आना चाहिए, एक भी ऐसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर सभी के लिए, सभी के लिए क्या है जीरो आए, सभी जे J1, Y1, Y2, मतलब Y1, Yn तक, ठीक है, सभी के लिए जीरो आ गया तो ये क्या कहलाता है, देन नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस आएगी इंटीग्रल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑप्शन में आ गया, मतलब हमें लैम्डा आई और कॉरेस्पॉन्डिंग ये आइगन फंक्शन देता है, दो आइगन फंक्शन दे दिए और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो जीरो दे दिए, तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या नॉन ऑफ दीज देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो हमारे पास क्या मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और इफ अगर मतलब अगर सभी के लिए आना चाहिए, ठीक है, मतलब हम जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तब आप अगर वाई वन और वाई टू दो दे दिए, ठीक है, वाई वन और वाई टू दो दे दिए, ठीक है, अगर वो जीरो आ गए तो हमारे पास क्या मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, आइगन फंक्शन। और जैसे अगर हमारे पास एक भी जे ऐसा मिल गया जिस पे fx y j x dx is not equal to 0, अगर हमारे पास एक भी जे ऐसा मिल गया जिस पे y मतलब इंटीग्रेट a टू b fx y1 x dx is not equal to 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसके पास क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पर बेस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।